में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चोरी की वारदात तो आप अक्सर सुनते ही होंगे। दरअसल चोरों का आतंक इन दिनों बढ़ा भी हुआ है और चोरों के निशाने पर खासकर इन दिनों आभूषण व्यवसायी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारी खबरें आती हैं लगातार पूरे बिहार से। लेकिन एक चोरी की वारदात सामने आई है बिहार के गया से, जहां चोरों ने आभूषण दुकान में डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की बल्कि सिगरेट उठाकर ले गए। वो भी एक दो रुपए की नहीं बल्कि 38 लाख रुपए की सिगरेट चोर उठाकर ले गए। सिगरेट कंपनी की, उसमें धावा बोला और तमाम जो कार्टून पड़े थे सिगरेट के वो उठाकर चोर ले गए। तो ये जो मामला है, पूरा मामला गया से सामने आया है। पूरी बात बताते हैं आपको, पूरी खबर क्या है। तो ये जो चोरी का मामला, अनोखा मामला इसलिए कहेंगे क्योंकि दरअसल चोरों की नजर सोने चांदी पर रहती है, लेकिन वो सिगरेट चुरा रहे हैं। तो सिगरेट चुराने का ये जो मामला है, फिल्मी स्टाइल में इस घटना को अंजाम भी दिया गया और ये गया का मामला है। तो हम आपको बताएं कि गया का जो ये मामला है, चोरों ने जो ताला तोड़ा है पहले शटर का, दरअसल ये एक एजेंसी का सिगरेट जो है बड़े पैमाने पर जो वो दुकानदारों को देते थे, उसका सिगरेट रखा गया था वहां पर और उसे तोड़कर, शटर तोड़कर चोरों ने 4 लाख रुपए कैश उड़ाए और लगभग 38 लाख रुपए से अधिक की सिगरेट भी उठाकर ले गए। सिगरेट कंपनी के मालिक को जब जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, तो ये सारा मामला सामने आया। तो ये गया का मामला हम आपको बता रहे हैं। गोदाम में 37,14,000 रुपए की सिगरेट आई थी और पहले से 1.5 लाख रुपए की सिगरेट गोदाम में मौजूद थी और शुक्रवार को जो सेल्समैन ने दरअसल जो वसूली की थी, लगभग 4 लाख रुपए कैश भी रखे हुए थे। तो ये तमाम चीजें जो है चोरों ने धावा बोला और सिगरेट के तमाम जो डब्बे कार्टून रखे थे वो उठाकर लेकर चलते बने। व्यवसायी ने बताया है कि चोरों ने बड़ी गाड़ी का इसके लिए प्रयोग किया। उनका कहना है कि कोई ठेला रिक्शा या गाड़ी में इतने सारे कार्टून की चोरी संभव नहीं है। तो चोर जो आए बिल्कुल सातिराना तरीके से बड़ी गाड़ी में आए और सिगरेट के तमाम कार्टून को लादा और लेकर चलते बने। तो ये जो अजीबोगरीब मामला, चोरी का मामला गया में सामने आया, जहां पर चोरों ने सोना चांदी के बजाय सिगरेट पर हाथ साफ किया और लगभग 38 लाख रुपए की सिगरेट उड़ाकर ले गए। अब सिगरेट आखिर क्या करेंगे, ये तो बाद की बात है, लेकिन अब पुलिस चोरों को तलाश रही है और अब जो है इस मामले के उद्भेदन के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।